सेपरेट टाइप से क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के थ्रू या कमेंट में या व्हाट्सएप के थ्रू उससे पूछे जाते हैं, तो उस पर मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन बना करके आपको वाइव वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो सॉल्यूशंस है वो आप मेरे चैनल पे ही देख सकते हैं, ठीक है। और न्यू प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नेम जो है वो है क्वेश्चंस ऑन डिमांड, ठीक है। तो हम आज देखते हैं, आज पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, दूसरी स्ट्रेट लाइन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, एंड थर्ड स्ट्रेट लाइन है के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई इक्वल टू माइनस वन, रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ के आर गिवन एंड के टू, देन द वैल्यू ऑफ के वन प्लस के टू अपॉन के वन माइनस के टू होल मॉड इज। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखने वाले हैं, चलो देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हमारे पास थ्री लाइन्स है, तो हम लोग देखते हैं मीन्स इसमें से जो थ्री लाइन है, अगर मैं आप बात करूं तो कुछ ट्रायंगल इस टाइप से बनेंगे, और आप अगर अच्छे से देख पा रहे हो L1 और L2 परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये बनता है, यहाँ से दो ऑप्शन निकल के आते हैं, या तो ये L1 होगा तो L2 ही आ जाएगा, या L1 ये है L2 ये है, मतलब कुल मिलाकर के ऑप्शन यही आएगा अपने पास। तो यहाँ से दो पार्ट ओपन होते हैं, फर्स्ट पार्ट जब L1 L2 परपेंडिकुलर नहीं है तो या तो फिर L1 L3 परपेंडिकुलर होगा, या फिर L2 एंड L3 परपेंडिकुलर होगा, मींस या तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, अगर ये L2 है ये L2 L3 करो तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, L1 ये हो जाए L3 ये तो ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो यहां से दो ऑप्शंस निकल के आते हैं हमारे पास, L1 एंड L3 आर परपेंडिकुलर, दूसरा ऑप्शन L2 और L2 एंड L3 आर परपेंडिकुलर, ठीक है, L2 एंड दो ऑप्शन है हमारे पास, इससे क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो जब L1 L3 परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों की जो स्लोप आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ इक्वल आ जाएगी। तो L1 और L3 की हम लोग स्लोप की बात करते हैं, जब स्लोप की बात करोगे तो L1 की स्लोप कितनी है, माइनस वन अपॉन टू, कैसे आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मल्टीप्लाई करना इसकी देखें तो क्या आएगा, माइनस के स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से ध्यान ये रखना है अपने को कि के स्क्वायर से टी कैंसिल नहीं करना है, क्यों कैंसिल अगर आपने कर दिया तो यहाँ पे टी की एक वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज क्या मिलेगी, दो वैल्यू, तो यहाँ पे अपने को कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू इस तरह भेजा तो माइनस टू के आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ के स्क्वायर प्लस टू के इक्वल टू जीरो, यहां से मुझे k की दो वैल्यू मिलती है, एक k इक्वल टू जीरो मिलेगी, ठीक है, एंड एक और वैल्यू मिलेगी कौन सी, माइनस जीरो और माइनस। अब अगर मैं L2 L3 को सॉल्व करता हूं तो L2 जो ये वाली लाइन है इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाई L3 की स्लोप कितनी है, k स्क्वायर अपॉन k, वो भी नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस k स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू माइनस वन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा टू के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री के, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जाएगा टू के स्क्वायर प्लस थ्री के इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ से के की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगा के इक्वल टू जीरो एंड एक बार मिलेगा माइनस का थ्री अपॉन, ठीक है, ये एन की जगह और कर सकते हो और आ जाएगा इसमें k इक्वल टू जीरो या माइनस टू का यूज होगा, यहाँ पे k इक्वल टू जीरो और माइनस थ्री बाई टू का यूज होगा। अब आप देख रहे हो ये दोनों में कॉमन है, k इक्वल टू जीरो k इक्वल टू जीरो दोनों में कॉमन। जब अगर मैं k इक्वल टू जीरो लेकर के चलता हूँ तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू जीरो इम्पॉसिबल वाला पार्ट हो जाएगा, मीन हम इसको लेकर के नहीं कैरी नहीं कर सकते। फिर क्या कैरी करना है, फिर हमने ये
उसको ले जाओ, ठीक है। तो पी वन हमारे पास आ गया कितना, माइनस टू, ए टू कितना आ गया माइनस का ये पॉन। ओके जब इतना आ गया हमारे पास तो मैं इसमें आंसर निकालना है, मुझे आंसर क्या निकालना, मॉडुलस ऑफ माइनस टू माइनस थ्री अपॉन टू मीन्स के वन प्लस के टू अपॉन के वन माइनस के टू है, तो के वन माइनस टू आ गया और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आंसर देखते हैं इसका कितना आएगा। तो ऊपर क्या है माइनस टू माइनस थ्री अपॉन टू, तो यह आ जाएगा हमारे पास फोर और फोर थ्री सेवन माइनस सेवन अपॉन टू होल अपॉन माइनस टू प्लस थ्री अपॉन टू मीन्स माइनस हाफ आ जाएगा। और ये हो गया एक दूसरे को कैंसिल, आंसर जो आया वो कितना आ गया सेवन, तो इसका जो आंसर है वो कितना है वो सेवन। इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू या तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो गिवन होगा आपको स्क्रीन पे नीचे देखना, ठीक है, तो वहां पे भी आप क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके दे सकते हैं। याद ये रखना है कि क्वेश्चन केवल प्रिंटेड ही चलेगा, कोई भी हैंड रिटन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनको भी ये डाउट ना आए कि डाउटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी को ये डाउट आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और डिमांड है, प्लेलिस्ट भी न्यू है, क्वेश्चन और डिमांड, तो जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में जोड़ते जाएंगे, ठीक है। ओके थैंक यू।